अच्छा भाई, आपने कहा कि आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई तो उसको दबाया गया, दबाया मतलब आप लोगों को दबाया गया कि आप लोगों ने इत्तेजाजी नहीं करी? जी, हम लोग को दबाया गया, एफसी वालों ने, पुलिस वालों ने हम लोग को दबाया और लाठी चार्ज किया। बहुत बड़े एसएचओ आ गए, डीआईजी आ गया था, ये सब लोगों ने हमको दबाया, हमारे आवाज दबाने की कोशिश की। मीडिया वाले को हम लोग ने चाह के नजदीक लाएंगे और मीडिया वालों को भी इसने बदतमीजी किया। देखिए कि कैमरे तोड़े, नजदीक नहीं छोड़ा उस लोगों को, इसलिए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी हम आप लोगों को कोशिश करके, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक आ गए, हमारा आवाज पहुँचा रहे हो, और अब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने इसकी बातें सुनी, भाई ने जो कहा कि बिल्कुल यहाँ पे एक मुतासरा इलाका है, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल एक कच्ची आबादी है, ना कोई इतनी बिल्कुल ना खानदगी यहाँ पे, तो हम लोग यही बात करना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान की एक आवाज़ कब तक बनेगी, कब तक इन लोगों में शऊर आएगा कि हाँ हम लोग भी पाकिस्तान के चारों सूबों में एक सुबह की अहमियत रखते हैं। तो इनसे एक और भाई से बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये कैंप जो इतने नज़दीक बनाए गए, ये दुश्मनी है, इसके पीछे क्या राज क्या है? जैसा कि चाही पे भी भाई ने बात की कि चाही पे भी एटम बम का पहला जो है तजुर्बा चाही पे किया गया, तो ये क्यों बार बार तजुर्बा बलूचिस्तान पे ही हो रहा है? ये बलूचिस्तान को हर लिहाज से पीछे करने की ये साजिश है, ताकि बलूचिस्तान तबाह से तबाह होता जावे, क्योंकि इनको एहसास महरूमी नहीं है कि हम लोग पहले से अब मुहाजरीन हैं, हम लोगों का क्या ज़िंदगी है, कोई हाल हम लोगों का नहीं है, और फिर भी उसके बावजूद हम लोगों को देने के बजाय हम लोगों पर मुसीबतें आते रहे हैं। ये कोरोना है भाई, बलूचिस्तान का कोरोना तो हम लोग सहेंगे, लेकिन ये सिंध का या सरहद का या अफगानिस्तान का ये तो हम लोग नहीं सह सकते ना। हम लोग अपने मुसीबत तो चलो सहेंगे जैसे भी है, बलूचिस्तान का मुसीबत सह सकते हैं और हम लोग नहीं सह सकते। हम लोग हुकूमत से गुजारिश करते हैं, खास वजीर आला बलूचिस्तान से और इमरान साहब से हम लोग अपील करते हैं कि जो जाए तो हम लोगों पर वो लादा जाए, हम लोग उठा सकते वो वजन, जो वजन हम लोग नहीं उठा सकते उस पर हम लोगों पर नहीं डालो। हम लोग का बच्चों का इलाज कौन करे? अल्लाह माफी दे, अगर आ गया हम लोगों पर, हम लोग क्या इलाज करा सकते हैं? कोई हम लोगों के पास कोई वसाइल है इलाज के? आपने जैसे ही बात की तो क्या इकदाम हुए, चूंकि कैंप बहुत ही करीब है, तो क्या यहाँ पे कोई किसी ने इकदाम किए हुए कि इस एरिया को बचाया जाए? आप देख रहे हैं भाई, कचरे का ढेर है, कोई उठाने वाला नहीं है, और ये तो पहले से तकरीबन हम लोग आधा मरीज है कचरों के हिसाब से, और ये आ गया तो इस पे अल्लाह ही हाफिज है, और तो कुछ भी हम लोग के पास नहीं है। अस्सलाम नाज़रीन, जैसे कि नहीं है, और ये तो पहले से तकरीबन हम लोग आधा मरीज है कचरों के हिसाब से, और ये आ गया तो इस पे अल्लाह ही हाफिज है, और तो कुछ भी हम लोग के पास नहीं है। अस्सलाम नाज़रीन, जैसे कि एक सीनियर, एक बुजुर्ग शख्स ने बात की कि ये बार बार तजुर्बा करना, बार बार ये क्यों, आखिर ये एहसास महरूमी आखिर बलूचिस्तान वालों के ही नसीब में क्यों लिखी होती है कि आप लोग लावारिस हो? बार बार यही एहसास महरूमी दिलाई जाती है कि आप लोग बिल्कुल लावारिस हो, कोई आप लोगों का वारिस है ही नहीं। जैसा कि कमाल साहब ने अपने एक वीडियो में ये पैगाम जारी किया था कि हम लोग बलूचिस्तान को कोरोना से महफूज रखेंगे, क्या वजह है? तफ्तान के सारे ज़ायरीन यहाँ पे क्यों है? तो इस आवाज़ के लिए हम लोगों ने ये इंटरव्यू किया, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं बिलाल जमा।